तो आ गए दोस्तों, आप लोग आइए फिर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। वीडियो बहुत ही काम का है, हर जगह आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ये वीडियो है माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप का शुरुआत हो चुकी है मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान। ये स्कूल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस जानकारी ये डिक्लेयर हो गई, ये भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से ये जानकारी लेकर शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा, फॉर्म में क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है वो भी बताऊंगा। मतलब आप ये वीडियो देख लोगे तो कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किसी और की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका इस साल का स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद भर सकते हो, खुद भर सकते हो, खुद भर सकते हो, खुद भर सकते हो। वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल मत करना। और अगर आपके घर में कोई लड़की नहीं है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान में स्कॉलरशिप निकली हुई है, इसके अंतर्गत शिक्षा इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्राओं, जैसा कि मैं बता दिया, हिंदू को छोड़ के, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। आपको याद होगा ईद के दो दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि 5 करोड़ छात्राओं को, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ये सब मिला के 5 करोड़ छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी, सॉरी 5 करोड़ छात्राओं को। दोस्तों 5 करोड़ छात्राओं, आप समझ सकते हो। तो उसी के तहत ये भी एक फॉर्म है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो आप पछताओगे, मैं भी पछताऊंगा कि आपने देखा नहीं। तो इसके लिए फॉर्म कैसे भरे, कहाँ भरे, वो पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, एक के बाद एक करके बताता हूँ। बोर मत होना, स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो बेल आइकॉन बटन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, ऐसे ही लेटेस्ट नौकरी के अपडेट, ऐसे ही भर्ती के जाहिरात, भर्ती के विज्ञापन, एम्प्लॉयमेंट के न्यूज़ आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पर बने रहें अंत तक। तो दोस्तों ये लेकर मैं आया हूँ पंपलेट। पंपलेट एक गवर्नमेंट का है, मैंने नहीं छपवाया, गवर्नमेंट ने छपवाया। दोस्तों नोटिस देख लो, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी है नीचे, और उर्दू में भी है, तीनों लैंग्वेज में है दोस्तों, ठीक है, तीनों लैंग्वेज में है। मैं एक देखो, ये उर्दू में भी है दोस्तों, चाहो तो आप, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, चाहो तो हिंदी पढ़ सकता हूँ, चाहो तो इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा हिंदी, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में मुझे भी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश तो आ जाएगा, उर्दू कैसे पढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूँ, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, देखो दोस्तों इसके अंतर्गत नोटिस निकली है छात्राओं के लिए, छात्रवृत्ति 2019-20। इसमें एक के बाद एक करके मैं बताते जाता हूँ। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए 6 ही अल्पसंख्यक है, कौन कौन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, यही धर्म है जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, कि मेघावी छात्रों को बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान कराया। कक्षा 9-10 के लिए छात्रवृत्ति 5,000 रुपये और कक्षा 11-12 के लिए 6,000 रुपये। क्लियर है दोस्तों, 9वीं-10वीं वालों के लिए, 9th-10th वालों के लिए 5,000 मिलेगा और 11th-12th वालों के लिए 6,000 रुपये मिलेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी, और पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड हासिल किया, उसके बराबर 50% अंक मिले हो या उसके बराबर का ग्रेड मिला हो दोस्तों, और छात्राओं के माता पिता, अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक ना हो। क्लियर है, क्लियर है, फिर से बता दूँ आप, इसमें 2 ही शर्तें हैं, जिस तरह देख सकते हो, बच्चों का, बच्चियों का 50% से ज़्यादा अंक होना चाहिए पिछले साल में, और आपके माता पिता की आय 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ 2 में लिखा, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है। इसीलिए मैंने बोला था वीडियो स्किप मत करना, बीच में काम काम की जानकारी आती रही है, वीडियो कैसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी बताते रहूँगा, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी बताते रहूँगा, बिल्कुल बने रहे वीडियो पर, बिल्कुल बने रहे। पैराग्राफ 3 में ऑनलाइन आवेदन, आपको ये इस वेबसाइट पे जाकर गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, www.maef.nic.in, इस पे से जाकर आपको आवेदन करना है। कौन कौन सी स्कैन कॉपी लगानी है, स्कैन कॉपी कौन कौन से, तो स्कैन कॉपी आपको सबसे पहले 6 डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने रहेंगे, वो 6 डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से अपलोड करने रहेंगे, ठीक है, पहले बता दूँ बाद में भी बता दूँगा, तो 6 डॉक्यूमेंट आप देख लो कौन कौन से अपलोड करने रहेंगे डॉक्यूमेंट।
तो दोस्तों देख लो, ये मैंने ऑनलाइन अप्लाई करते समय ये आया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आपको पहले भी बता दूँ बाद में बता दूँ। सबसे पहले वेरीफाइड स्कूल वेरीफिकेशन फॉर्म, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल के सही सिक्का करवाना होता है, सही सिक्का करवाने के बाद स्कैन करना होता है, स्कैन मतलब अपलोड करना होता है इसको, आपको स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना होता है। तो ये रहेगा, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है बिल्कुल ध्यान रखना, ऑफलाइन नहीं करना है। तो ये नहीं कि प्रिंट आउट निकाल के भेज दिया आपने वो एड्रेस पे जो एड्रेस लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, वहाँ पर नहीं भेजना, आपको स्कैन करके रखना है। छः डॉक्यूमेंट है, देख लो ये छः डॉक्यूमेंट है। दूसरा, मार्कशीट ऑफ लास्ट ईयर लास्ट एग्जाम पास, मतलब पिछले साल आपने जो एग्ज़ाम पास की, अगर इस साल नाइन्थ में है तो आठवीं का मार्कशीट को स्कैन करके रखना है, एट्थ क्लास में तो सेवन को रखना है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना है, किससे करना है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसको भी स्कैन करके रखना है। चौथा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, बैंक की जो पासबुक होती है उसका फर्स्ट पेज को जेरोस करवाना है अच्छे से, फोटो कॉपी करवाना है अच्छे से, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद ही सही करना है उसको, ठीक है, सही करके मोबाइल नंबर भी लिख देना है और उसको अपलोड करना है। ये चौथा हो गया। पाँचवा आ जाओ दोस्तों, लास्ट फीस पेड अप। आपने जो लास्ट पिछली बार जो फीस भरी है, पिछले महीने फीस भरी है, पिछले साल फीस भरी है, जो भी फीस आपने लास्ट टाइम भरी है उसकी रिसिप्ट आपको अपलोड करनी रहेगी। और छठा है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन डिटेल, इसमें आधार कार्ड आप कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हो, या फिर BPL कार्ड ये सब कर सकते हो। मेरा आपको सुझाव दूंगा, अगर आपका आधार कार्ड हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, और अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो बनवा लो दोस्तों, अभी टाइम है, 30 सितंबर तक है, तब तक आपको आधार कार्ड भी, ये 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। फिर से बता दूँ, स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म करना पड़ेगा जो सही होना चाहिए उसको अपलोड करना पड़ेगा, दूसरा लास्ट ईयर लास्ट एग्जाम कौन सी पास की है उसको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट उसका, इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, बैंक की पासबुक की फर्स्ट पेज अपलोड करना पड़ेगा, आपने पिछली बार कौन सी फीस भरी है उसकी रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी, और आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बीच में भी बताऊंगा कैसे ये स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म होता है और कैसे इसको अपलोड करते हैं और किसकी सही चाहिए और क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए अभी फिलहाल वो वीडियो पे आते हैं। अब पैराग्राफ 4 में लिखा हुआ छात्रवृत्ति की राशि सीधे खाते में आएगी आपका, इसीलिए बैंक की पासबुक की आपको स्कैन करके डालना रहेगा, अपलोड करना रहेगा। पाँचवा, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप जानते हो कहीं कहीं 200 रुपया लेते हैं, कहीं कहीं 100 रुपये, 100 रुपया, 50 रुपया, 200, 400, 500 रुपया लेते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। मैंने इसीलिए बोला था वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा कि पूरा का पूरा फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं, तो आप पूरा का पूरा फॉर्म खुद ही भर सकते हो। तो बिल्कुल बने रहें, इसको मजाक ना समझे और वीडियो को शेयर करते रहना आगे से आगे, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो दूसरे लड़के लड़कियों के लिए, लड़के के लिए नहीं दोस्तों सॉरी, लड़कियों के पास पहुंचे ऐसे करना, ताकि उनके भाई के पास भी पहुंचे, लड़के के पास भी पहुंचे, ताकि उन अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए वो आवेदन खुद कर सकें। अब आता है छठे नंबर पे, इसकी कोई शाखा नहीं है। मौलाना आज़ाद कोई बोलता है कि हम फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरेगा दोस्तों, लेकिन वो 100, 50, 200 रुपया लेगा, लेकिन ऊपर बता दिया गया है कोई शुल्क नहीं है। तो इसके लिए खुद मेहनत करो, आपको हर बार भरना रहता है, हर बार करना रहता है, तो खुद करो, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, अब अपनी बात बार बार नहीं बोलूँगा। तो इसकी कोई शाखा नहीं है, तो और कोई एजेंसी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। अब आगे लिखा है टिप्पणी, ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, जो मैंने बताया 6 दस्तावेज है आवश्यक दस्तावेज, उसको अगर वो मराठी में है, गुजराती में है, तेलुगु में है, तमिल में है, बंगाली में तो नहीं चलेगा, पंजाबी में है नहीं चलेगा, उर्दू में है नहीं चलेगा, वो सिर्फ होना चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। अगर नहीं है तो उसको आपको एफिडेविट करवा के उसको ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद अपलोड करना है, हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। और MAEF मतलब जो ये संस्था का नाम है, वो कोई भौतिक हार्ड कॉपी द्वारा भेजने का कष्ट, मतलब आपको पहले बता दिया ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, आपको कोई कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, यही सब चीज़ें उर्दू में भी लिखी होगी, आप उर्दू जानते होंगे तो पढ़ सकते हो, मुस्लिम बच्चे तो पढ़ ही लेंगे, और बाकी नहीं जानते तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये सब है। बाकी इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप उस पर भी जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ये कहीं और नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है।
दोस्तों जो जो 2 लाख का इनकम सर्टिफिकेट था बनाने का था वो देखो, एनुअल इनकम ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट गार्जियन फॉर्म ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की होगी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जिसको ऑथराइज कर रखा होगा, कहीं DM को कर रखा है, कहीं किसको कर रखा है, उसी से बनवाना है, कहीं और से नहीं, समझ गए। जैसे कि अल्टरनेटिवली द इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रधान, सरपंच, म्यूनसिपल बोर्ड, काउंसलर्स, MLA, MP या फ्रॉम एनी गेजेटेड ऑफिसर में एल्सो बी कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द इनकम सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट। मतलब इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट जहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं कर रहा है किसी को लिए, वहाँ पे क्या है, आप प्रधान से या सरपंच से, म्यूनसिपल बोर्ड से, काउंसलर से, MLA से, MP से या किसी गैजेट ऑफिसर से भी वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे करना है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं कर रखा है दोस्तों, ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत भारी मिस्टेक होगी। तो ये बता दिया आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। एक बात और बता दूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन दिमाग में होगा, हम एक फॉर्म भरे, दो फॉर्म भरे, एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अगर दो फॉर्म भरते हो तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, डुप्लीकेट करके दो फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, अच्छी तरह से भरना है। वो फॉर्म अच्छी तरह किस तरह भर पाओगे, मेरा वीडियो पूरा देख कर दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा वीडियो बनाया हूँ, मेहनत किया हूँ इसके लिए बनाने के लिए, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए दो फॉर्म बिल्कुल भरना नहीं है, एक ही फॉर्म भरना है और अच्छी तरह से भरना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। बिल्कुल बने रहे, बिल्कुल छोड़ना मत। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आपको ये टाइप करना है, www.maef.com टाइप करोगे आप सीधा यहीं पर पहुँच जाओगे, किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। इसी वेबसाइट पर पहुँचोगे तो यहाँ पे श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का फोटो लगा हुआ है दोस्तों, देखो प्रेसिडेंट MAEF, ठीक है। और इसमें ये सब आपको डिटेल ये सब दिखाई देगी, इस तरह से डिटेल ये सब दिखाई देगी, वही आपको असली समझना है। भारत सरकार का लोगो लगा रखा है ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो दो कॉलम है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ के लिए अगर अप्लाई करना है उसके लिए है, या आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। स्कॉलरशिप स्कीम जो अभी चालू है, 30 सितंबर लास्ट डेट है, वो इसमें अप्लाई करना है। इसका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहो तो देख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया क्या है, वही एडवर्टाइजमेंट है, थोड़ा डिटेल में है, लेकिन आप इतना कन्फ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, मैंने बता दिया। अगर देखना चाहो तो फिर भी इसको ये इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपको डाउनलोड हो जाएगा, आप पहुँच सकते हो। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं हम कहाँ पहुँचते, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। मैं इसको इस सेकंड पेरा को फिर से बता दूँ आपको, सेकंड पेरा को क्लिक करने जा रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ठीक है, वीडियो पे बने रहें। क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे पहुँच गए, देखो ये चार स्केल आएंगे। देखो दोस्तों एक बार बता दूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, होने दो, वीडियो पूरा देखना है, थोड़ा टाइम निकाल लेना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, बार बार आप व्हाट्सअप पे लगे रहते हो, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा फेसबुक, व्हाट्सअप, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हो, तो इस पे थोड़ा सा लग जाओ, आपके लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, और खुद के लिए, अगर लड़की हैं आप तो खुद के लिए थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मैं इतना बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ये शौक़ नहीं है, मेरे भर्ती के वीडियो आप उठा के देख लो, 3-4-5-6 मिनट के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी न किसी को फ़ायदा हो, प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो, 5 करोड़ अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को छात्रवृत्ति मिले। ये मतलब मेरे कहने से नहीं होगा, आप लोग करोगे ही करोगे, कहने का मतलब आप लोग देखो वीडियो, ठीक है। अब ये 4 स्टेप रहेंगे, 4 स्टेप पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप के बाद आगे क्या करना है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे वो बताया जनरल इंस्ट्रक्शन से, इस पर आपको क्लिक करना है, खोल के पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देखना हो तो इधर आप देख सकते हो, खोल के उधर पता चल जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन करना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, तो मैं भी यहीं पे क्लिक करूँगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको बता दिया, ये वाली बता दिया है आपको, कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये बता दिया है, और जनरल इंस्ट्रक्शन भी बता दिया, आप चाहो तो इसको खोल के दे सकते हो। फिलहाल मैं ऑनलाइन इस पर लास्ट पेरा पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2019-20, तो वीडियो पे बने रहे। चलिए दोस्तों एक बार नज़र फिर मार लेते हैं, मैं सोचता था नहीं बताऊं, लेकिन आप एक बार दोहरा लेता हूं, आप बार बार बोलोगे दोहरा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिर्फ गर्ल लड़कियां अप्लाई कर सकती है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी की, इनकी लड़कियाँ अप्लाई कर सकती है। जो 9th से 12th में स्टडी कर रही हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, जिनके 50% से ज़्यादा मार्क्स पिछले साल थे वो अप्लाई कर सकती है। एनुअल इनकम उनके पेरेंट्स की 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकती है। और एनुअल इनकम सर्टिफिकेट वो जो है
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बता दिया स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि कौन बना सकता है इनकम सर्टिफिकेट वही लाना है। फिर ध्यान से सुन लो, ये नहीं कि जिसका उठाए चल दिए उठा के इनकम सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग लोगों को ऑथोराइज़ कर रखा है, ये डिपार्टमेंट बनाएगी उसी से ही बनवाना है। तो फटाफट बता दिया, अभी मैं फिलहाल अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद देखो हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे। मैं पूरा आपको नहीं दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, थोड़ा इसके अंदर जाने में टाइम लगता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ देखो एडवर्टाइज सब दी हुई है। यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब का फोटो है, लड़कियों का फोटो है, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह सब है। और आपको इधर आना है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन लिखा है इस पर क्लिक करना है। मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया मैं, देखो ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं आपको होल्ड पे डाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए उस पर क्लिक करने के बाद ये सीधा हम यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे फिर से वही डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं फिर से आप पढ़ के नहीं बताऊँगा, बार बार पढ़ के नहीं बताऊँगा, सीधा नीचे चलते हैं। आपको भी नीचे जाना है, कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे, इस पेज पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस पे क्या लिखा है, फॉर्म भरना शुरू करना है, एक के बाद एक देखते चलो। क्लास फोर अप्लाइंग, क्लास फोर किस लिए, किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। क्लास फोर अप्लाइंग, जैसे आप नाइन्थ क्लास के लिए कर रहे हैं तो नाइन कर देना है, टेन कर रहे हैं टेन कर देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिखना है, स्टूडेंट के फादर का नाम लिखना है, स्टूडेंट की मदर का नाम लिखना है, स्टूडेंट की जन्म तारीख लिखनी है, डैश लगा कर लिखना है। जैसे कि मान लो 27 जनवरी 2003 है, 27 जनवरी ये डैश लगाना है, ये वाला डैश 27 जनवरी 2003 इस तरह लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये वाला यस नहीं लगाना है, नहीं तो फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आते हैं रिलीजन, रिलीजन में भी आपको लिखना है, ये छह ऑप्शन आएंगे, मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट कोई भी एक क्लिक कर लेना है, मैं मुस्लिम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस जो है आधार कार्ड में वो डालना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पूरा जो एड्रेस है वो आधार कार्ड में वो डालना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जो भी स्टेट है आपको वो डालना है, ये पूरा स्टेट की डिटेल आ जाएगी। कोई भी क्लिक कर लो, मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म में भरते चलता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए, गुजरात क्लिक कर लिया। पिन आपके आधार कार्ड में जो है वो डालना है, बिल्कुल भी भूल नहीं करना है दोस्तों, पिन जो है वो डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शहर का नाम डालना है, और पिन नंबर डालते ही डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आते हैं स्कूल DISC कोड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको स्कूल से लेना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह है उसी तरह टाइप करना है इधर, जैसे 234-A-5 या जैसे भी लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्कुल वैसे ही इधर टाइप करना है, क्लियर है, ये मेन है। आगे बढ़ते हैं, स्कूल का नाम लिखना है, जो स्कूल का नाम है वैसे लिखना है, स्कूल का एड्रेस जैसा स्कूल का एड्रेस होता है वो लिखना है, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट वही होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी कोई अलग हो तो वो लिखना है, क्लियर है, क्लियर ही होगा। बाकी जो मेन था वो बता दिया है। स्कूल का स्टेट लिखने के बाद मोबाइल नंबर आपका डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, सेंड OTP पे। सेंड OTP पे करने के बाद आपके मोबाइल में जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पे मैसेज आएगा, OTP आएगा। अब वो किस तरह आता है OTP वो भी देख लेते हैं। ये इस तरह आपका तुरंत मैसेज आएगा, OTP 2663 इज OTP फॉर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप मोबाइल नंबर इतना इतना, ये आपका OTP है, ये OTP को नोट कर लेना है, इसको वहीं पे डालना है जहाँ पे डालना है, मैं बताता हूँ, इस जगह आपको OTP यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP करना है, वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद सबमिट बटन दबाना है, क्लियर है। ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए था, सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन दबाने के बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है, आगे आपको लेके चलता हूँ। आगे लेके जाऊँ उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन बटन भी दबा देना, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर किसी के पास ये फ़ायदा पहुँचे, गवर्नमेंट का स्कीम का लाभ पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन सब कुछ सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर 100 एंड 100। तो इस तरह से ये मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया, मोबाइल नंबर पे OTP आया, OTP को मैंने डाला, वेरीफाई OTP किया, OTP वेरीफाई हुआ, और उसके बाद मैंने सबमिट का बटन दबाया। सबमिट बटन दबाने के बाद हम सीधा यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई, ड्राफ्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर, नंबर ये है दोस्तों ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म ड्यूली वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, ये आपको स्कूल से वेरिफिकेशन करवा के डाउनलोड कर, पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिलअप करना है, और इसको स्कूल से वेरीफाई करा के अपलोड करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन उससे पहले और देख लो क्या क्या लगाना है, वो सब इधर लिखा हुआ है, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे।
उसके आगे लिखा हुआ है मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, मतलब अगर आप 9th के लिए कर रहे हो तो 8वीं के चाहिए, 8th क्लास का चाहिए मार्कशीट, अगर आप 10th के लिए कर रहे हैं तो 9th क्लास का चाहिए, अगर 11th के लिए कर रहे हैं तो इस तरह से मार्कशीट लास्ट एग्जाम की आपकी चाहिए। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ का मैंने बता दिया, इनकम प्रूफ किस तरह का आपका होना चाहिए, और इनकम प्रूफ ड्यूली सर्टिफाइड और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से सर्टिफाइड भी होना चाहिए। इनकम प्रूफ आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट बता देता हूँ मैं किस तरह चाहिए और फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं वो आपको बता दूंगा किस तरह होना है। अगला है दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैंक के पासबुक, बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पेज होता है उसको अच्छे से जेरोक्स करवा लेना है, फोटो स्टेट करवा लेना है और उसको स्कैन कॉपी रखना है। वो किस लिए ज़रूरत होता है दोस्तों, कि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड उसमें मिल जाए, नाम मिल जाए। अगर आपने अकाउंट एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाया तो IFSC कोड चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो वहाँ से नई पासबुक ले लेना, नई पासबुक लेने के बाद उसका स्कैन करना, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लास्ट फी पेड स्लिप, जो आपने पिछली फीस पेड की है, पिछले महीने की या पिछले साल की या पिछली जो भी है फीस, उसकी रिसिप्ट, उसको भी अपलोड करना है, उसको भी सबमिट करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, anyone आइडेंटिफिकेशन आपका सबमिट करना है। आधार कार्ड अगर आपने नहीं बनवाया तो आधार कार्ड बनवा लेना, बहुत ज़रूरी है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट या BPL कार्ड, राशन कार्ड, ये आपको सबमिट करना रहेगा। तो चलिए एक के बाद एक अभी मैं इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो डाउनलोड बटन है स्कूल वेरीफिकेशन के, कौन सा फॉर्म डाउनलोड करके वेरीफाई करवाना है वो मैं डाउनलोड करके आपको बताता हूँ उसको कैसे भरना है और क्या करना। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको फिलअप करवाना। देखो क्या लिखा है, टू बी फिल्ड एंड साइन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज वेयर द स्टूडेंट एप्लीकेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगवाना है आपका, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने के बाद ये देखो, ये मैं पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया है, ठीक है दोस्तों। हालांकि ये पूरा आपका डिटेल जो आपने डाला हुआ था वही डिटेल आया हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं आया। देखो ये सब ऐसे इस तरह ही करके डाला हुआ है, शहर बानो जाहिद कामरान, और इसका फ़ोटो लगाना है शेयर बानो जाहिद कामरान का, 9th क्लास के लिए 2019-20 के लिए मुस्लिम। तो यहाँ पे ये हमने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वही का वही यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आपको कोई इधर दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इधर सिर्फ आपको प्रिंट निकाल कर स्कूल से सर्टिफाइड कराना है, वेरीफाई करवाना है। देखो ये स्कूल का नाम ये मैंने ऐसे ही डाला था आपको बताने के लिए, स्कूल का नाम जो आप डालते हो रजिस्ट्रेशन नंबर वो सही डालना है, नहीं तो वो नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। नहीं पता हो तो स्कूल में से पूछ लेना। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल के सिग्नेचर, प्लेस जैसे आगे अहमदाबाद लिखा हुआ था, अहमदाबाद प्रिंसिपल का नाम पूरा आ जाएगा, इधर डेट आ जाएगी जिस डेट को साइन करते हैं। ये मैंने अमन पब्लिक स्कूल डाल दिया था, ये न्यू फैशन नगर डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद गुजरात। ये मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ये आपको प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है। ये सब आपकी डिटेल पूरी की पूरी भरने के, प्रिंट आउट निकालने के बाद पूरा भरना है और प्रिंसिपल से सही सिक्का करवाना है, और इसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म दोस्तों, ठीक है, बेगम हजरत महल का वेरिफिकेशन फॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉलेज। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया, स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद प्रिंसिपल के सही और सिक्का करवा लिया। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये वाले डॉक्यूमेंट दोस्तों देख लो, मार्कशीट है लास्ट एग्जाम की, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लास्ट फी, पिछले से बार जो फीस भरी है वो बैंक के पासबुक की, आपकी सीटी खुद के सही की हुई, ठीक है, ध्यान रखना। और इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट और ये प्रिंसिपल से सही की हुई, मार्कशीट पिछले साल की मार्कशीट, और आइडेंटिफिकेशन डिटेल जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट, ये डिटेल हो गई। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कॉपी को आपको अपलोड करना रहेगा, क्लियर है। इसके लिए अब आगे चलते हैं, हम यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद अब आगे चलते हैं री लॉगिन पे। री लॉगिन पे क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। री लॉगिन में जाने के लिए आपको मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप सीधा पहुँच जाओगे जहाँ पर जाना है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ दोबारा री लॉगिन पे। री लॉगिन पे मोबाइल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो मैं दोनों चीज़ें डालता हूँ और उसके बाद एंटर कैप्चा कोड, कैप्चा कोड जो नीचे दिया हुआ है ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद मुझे लॉगिन करना रहेगा, तो ठीक है मैं ये डिटेल डालता हूँ अपनी, और तब तक आप वीडियो पर बने रहो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं इस पेज पे आ गया हूँ। यहाँ क्या क्या लिखा है जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म ड्राफ्ट डाउनलोड,
इन केस मिस्ड प्रीवियसली, अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया डाउनलोड करना है, उसके बाद प्रिंसिपल से सही सिक्का कराना है, तब फिर दोबारा री लॉगिन में आना, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आपको ये खुद डालनी पड़ेगी, बैंक डिटेल डालना है दोस्तों, स्कूल स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बैंक का नाम, ये डालनी रहेगा बैंक का नाम, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, बैंक के नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना रहेगा, ये देखो बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, पासबुक के फर्स्ट पेज पे लिखा है मार्क्स ऑब्टेंड, पिछले साल कितने मार्क्स आए थे वो, फिर टोटल मार्क्स कितने थे वो, और परसेंटेज कितने थे वो, सब रिजल्ट शीट पे, मार्कशीट पे लिखा होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, आपके फादर क्या, बच्ची के फादर क्या काम करते हैं, और एनुअल इनकम, जितना कि आपने एनुअल इनकम में सर्टिफिकेट दिया है वो सब टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, फिर से बात देख लेते हैं। वेरीफाइड स्कूल फॉर्म, जो स्कूल से वेरीफाइड करवाए प्रिंसिपल से, वो उसको अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे डाउनलोड किया वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर लास्ट एग्जाम जो आपने पास की, मतलब एट क्लास में, नाइन्थ में है अभी, तो पिछले साल एट में होंगे तो एट की मार्कशीट, अगर आप टेंथ का फॉर्म भर रहे हैं तो नाइन्थ में होंगे तो नाइन्थ की मार्कशीट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आपको करना है चूज़ फाइल में जाके। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक की पासबुक की डिटेल भी, इसको भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लास्ट फी पेड, पिछली बार कौन सी फीस भरी उसको करना है। और आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आपका आइडेंटी आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है एग्री, एग्री पे बटन पे क्लिक कराना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, फाइनल सबमिट बटन दबा देना है, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और वो मिल जाएगा, फाइनल सबमिट बटन दबाने के बाद ये डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करना रहेगा, अगर आपको डिटेल देखनी है, स्टेटस देखना है, स्टेटस आप यहाँ से जा के स्टेटस में जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों।